नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे, मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद का बजट सत्र आज से, राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत, सरकार की नीतियों का होगा जिक्र। सर्वदलीय बैठक में सभी दल सदन के सुचारू संचालन पर सहमत, सुमित्रा महाजन ने कहा प्रश्नकाल में ना हो गतिरोध, विपक्ष जेएनयू समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। आरक्षण पर मोहन भागवत का बयान, गैर राजनीतिक समिति करे पात्रता पर फैसला, कांग्रेस का पलटवार, कहा दलित और आदिवासी विरोधी है बीजेपी। कन्हैया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई, जेएनयू शिक्षक संघ की रजिस्ट्रार को बर्खास्त करने की मांग, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच समिति का कार्यकाल 7 दिन बढ़ाया। अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला, 9 नागरिकों समेत 13 लोगों की मौत, पुलिस कमांडर को निशाना बनाकर किया था हमला, तालिबान ने ली जिम्मेदारी। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों की झलक होता है। संविधान के अनुच्छेद 87 के मुताबिक साल के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। इसमें NDA सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की झलक देखने को मिलेगी। इसमें अर्थव्यवस्था के तमाम पहलुओं से जुड़ी संभावनाओं पर भी जोर होगा, साथ ही सरकार की उपलब्धियों से जुड़े मुद्दों को भी स्पष्ट करने की कोशिश होगी। आने वाले दिनों में सरकार का सामाजिक आर्थिक एजेंडा क्या होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके भी संकेत होंगे। बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी नीतियाँ साफ होंगी। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ साथ विदेशी नीति पर सरकार के रुख को जानने में भी मदद मिलेगी। NDA सरकार का यह तीसरा बजट सत्र है। आज से शुरू होने वाला सत्र 13 मई तक चलेगा। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण आज से शुरू होकर 16 मार्च और दूसरा चरण 25 अप्रैल से शुरू होकर 13 मई तक चलेगा। इस दौरान रेल मंत्री सुरेश प्रभु 25 फरवरी को रेल बजट पेश करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 26 फरवरी को पेश किया जाएगा, जबकि वित्त मंत्री अरुण जेटली 29 फरवरी को आम बजट पेश करेंगे। और बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चा का भरोसा दिया है। सरकार ने कहा है कि वो GST, रियल एस्टेट समेत अहम बिलों को पारित कराने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ सहमति वाले बिलों को ही पास कराने में सहयोग करेगी। संसद के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री M. वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। सरकार ने कहा कि वो हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या और JNU विवाद पर चर्चा को तैयार है। रूलिंग पार्टीज ने भी कहा JNU इशू का डिस्कस करना चाहिए, गलत संकेत जा रहे हैं वहाँ से, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। ऐसा कुछ सत्तारूढ़ पार्टियों ने भी इशू उठाया, कुछ अपोजिशन वाले ने भी इशू उठाया, कुछ लोगों ने कहा वहाँ राइट टू डिसेंट थ्रेट में है उसको भी, इसलिए सब सरकार सब इशूज़ के लिए डिस्कशन के लिए तैयार है। सरकार बजट के अलावा इस सत्र में GST और रियल एस्टेट बिल समेत कुछ जरूरी विधायी काम निपटाना चाहती है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जिन विधेयकों पर आम सहमति बन रही है उन्हीं बिलों को पास कराया जा सकता है। सर्वसम्मति से जो भी बिल होगा वही हम पारित करेंगे और दूसरे बिल्स वो मार्च के बाद अप्रैल में जो लेना है तो सभी से कंसेंसस लेकर उसको पेश किया जाए। वाम दलों ने आरोप लगाया कि सरकार ने संसद की कार्यवाही में अवरोध का एजेंडा तैयार कर दिया है। गैमेट ऑफ इश्यूज दैट नीड टू बी डिस्कस्ड, so you prioritize and let us prioritize that and that discussion you have with us, no, that is not what they want. It's just a formality of consulting the opposition parties and they are pushing
this session towards a disruption. Pradhanmantri ji ne kaha hai ki unki sarkar asthir karne ki koshish ho rahi hai. Hum mante sarkar ki baat chhodiye, desh asthir hone ki baat ho rahi hai. Uske bare mein sadan mein charcha honi chahiye. मंगलवार से शुरू हो रहे बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। 25 फरवरी को रेल बजट और 29 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए कल लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सर्वदलीय बैठक की। इसमें सभी दलों के बीच संसद के सुचारू संचालन पर सहमति बनी है। बैठक के बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा कि तमाम दलों के नेताओं ने माना है कि प्रश्नकाल की कार्यवाही गतिरोध की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने यूनिवर्सिटी और आरक्षण समेत जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग रखी। उन्होंने सरकार और विपक्ष के सहयोग के साथ बजट सत्र के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद जताई है। सभी पार्टी के लीडर्स आए हुए थे और बैठक में चर्चा भी बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। इन जनरल एक कॉन्शियस बना है कि पार्लियामेंट चलना चाहिए। और बजट सत्र से पहले कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बोलने की आजादी पर लगातार हो रहे हमले पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नाकामियां छिपाने के लिए सरकार नकारात्मक मुद्दों को बढ़ावा दे रही है। पार्टी ने तय किया कि समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेकर सभी अहम मुद्दों को संसद में उठाया जाएगा। जहां तक निर्माण की बात है, बातें बड़ी की गई पर निर्माण टूट गया है, उसके कारण भारी संख्या में नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। उन सब की तरफ से ध्यान हटाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए एक नकली डिबेट देश में शुरू की गई है। राष्ट्रवाद की, राष्ट्रभक्ति की। और अब कुछ और अहम खबरें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर फिर बयान दिया है। कोलकाता में कल उन्होंने कहा कि आरक्षण की पात्रता पर विचार के लिए गैर राजनीतिक समिति का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को उसके जन्म की जाति की वजह से अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भागवत ने सबको एक समान अवसर देने की वकालत की। पिछले साल सितंबर में भी संघ प्रमुख ने आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी, जिसका खासा विरोध हुआ था। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि आरएसएस प्रमुख के बयान से बीजेपी का दलित और आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दलितों, गरीबों और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए आरएसएस और बीजेपी आए दिन आरक्षण और रिजर्वेशन को लेकर, दलितों और पिछड़ों के रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर बार बार इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करती है। जाट आंदोलन की आग में झुलस रहे हरियाणा में कल 3 लोगों की और मौत हुई है। राज्य में आंदोलक हिंसक होने के बाद 19 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य सरकार के आश्वासन के बावजूद कल भी कई जगहों पर हिंसा हुई। केंद्र और हरियाणा सरकार से आश्वासन के बावजूद राज्य के कई शहरों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सोमवार को भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगहों पर झड़पें हुईं। इसके बाद सुरक्षा बलों को फायरिंग तक करनी पड़ी। आंदोलनकारियों ने कई जगहों पर सरकारी संपत्ति को फूंक डाला। दिल्ली अम्बाला हाईवे समेत रोहतक, हिसार और भिवानी जिलों में कई सड़कों पर अब भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। राज्य में कई जगहों पर रेल सेवाएं अब भी बंद हैं। कैथल में प्रदर्शनकारियों ने बाजारों और मॉल्स पर हमला किया। उधर चंडीगढ़ में सोमवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। हम इस समय सारे हरियाणा की जनता से बारंबार अपील करते हैं कि इस समय हरियाणा की जरूरत है। हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है और इसमें शांति की स्थापना होनी चाहिए। हिसार और हांसी में स्थिति सुधरने के बाद कर्फ्यू हटा लिया गया है। रविवार शाम कैथल और कालायत से भी कर्फ्यू उठा लिया गया था। रोहतक में कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी गई। प्रशासन का दावा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। फोर्सेस की बात है, वो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, IRB और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ये सभी लगी हुई हैं और हर तरह से शांति बनाई हुई है। कोई इस तरह की कल शाम के बाद कोई इस तरह की घटना नहीं है।
हरियाणा के आरक्षण आंदोलन के समर्थन में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राजस्थान के भरतपुर में प्रदर्शनकारियों ने सड़क और रेल मार्ग जाम कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी जाट समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। ये जो पीढ़ी है युवाओं की, जाटों की, ये खतरे में है, इसका भविष्य खतरे में है। युवा पीढ़ी के लिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत इस आरक्षण को वापस ले, हमारा कोई बैर नहीं है और जब तक हमारा आरक्षण हमारा पटोल नहीं मिल जाएगा हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। जाट समुदाय ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण की मांग के लिए आंदोलन कर रहा है। हरियाणा सरकार ने विधानसभा के अगले सत्र में इसके लिए बिल लाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि सरकार जाट आरक्षण को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि जाटों को आरक्षण संवैधानिक दायरे में कैसे दिया जा सकता है, इस पर फैसला लेना है। उन्होंने कहा कि अभी इसमें वक्त लग सकता है। साथ ही उन्होंने जाट समुदाय से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। केंद्र सरकार ने जाटों को आरक्षण देने के मुद्दे पर एक 5-सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसीलिए संवैधानिक दायरे में और कानूनी से क्या हम कर सकते हैं, कानूनी रूप से इसमें से कौन सा रास्ता निकलेगा उसी पर चर्चा हुई है और अभी थोड़ा समय और लगेगा इन चीजों में, लेकिन हमने शुरुआत की है और आगे मेरे विचार से इसमें कहीं ना कहीं रास्ता निकल आएगा। हरियाणा सरकार ने जाट आरक्षण के दौरान निजी संपत्ति को पहुंचे नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी बात कही गई है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री रामविलास शर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जाट आंदोलन में वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने का फैसला किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी के भी खिलाफ झूठा मामला नहीं दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी संपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात किया जाएगा। हरियाणा के मुनक नहर से दिल्ली को पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। इससे पानी संकट से जूझ रहे दिल्ली को राहत मिलने की उम्मीद है। सोनीपत के पास नहर से 25% आपूर्ति बहाल हो गई है। इसके बाद वजीराबाद और हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम करने लगे हैं। नहर फिलहाल सुरक्षा बलों के कब्जे में है। सरकार का कहना है कि मंगलवार तक स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। इस बीच दिल्ली सरकार की अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी और केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के स्तर पर मामला सुलझाए बिना अदालत का दरवाजा खटखटाने पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। इस बीच देश विरोधी नारों के कथित आरोपी छात्रों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। यूनिवर्सिटी के वीसी ने आश्वासन दिया है कि कैंपस में पुलिस को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले को लेकर शिक्षक संघ ने कल वीसी के साथ बैठक भी की। जेएनयू मामले में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ हुई शिक्षक संघ की बैठक में छात्रों पर राजद्रोह के आरोपों को खत्म करने की मांग की गई। उधर जेएनयू कैंपस में मौजूद आरोपी छात्र पुलिस के सामने सरेंडर करने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस नहीं आएगी और जो कि वेलकम स्टेप है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमने कहा भी कि आज जो वाइस चांसलर का एक्शन है वी अप्रिशिएट, कि हैज इंश्योर्ड दैट पुलिस डू नॉट एंटर द कैंपस। हमारा भरोसा है इस देश के सिस्टम में, हमारा भरोसा है यदि उसके थ्रू जो भी हमें यदि झेलना पड़ता है, जो उन्हें लगता है हमें गिरफ्तार करना है, उन्हें लगता है ये उसके प्रोसेस में जाना है, तो हम लोग कोई रजिस्टर नहीं करने वाले हैं। बस और बस जो फियर का माहौल था उसके कारण हम लोग वहाँ मतलब इस कैंपस में नहीं थे। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पुलिस उचित समय पर कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस भी इस मामले पर रणनीति बनाने में लगी है। उनको पुलिस ढूंढ रही है, अगर पुलिस को उनकी आवश्यकता है तो उन्हें जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं, अपनी निर्दोषी का उन्हें साक्ष्य पेश करना चाहिए। देशद्रोह के कथित नारे के आरोपी उमर खालिद, अनिबारन, आशुतोष, अनंत प्रकाश और रामा नागा जेएनयू कैंपस में हैं। इनका कहना है कि इनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं।
इन लोगों ने नारेबाजी के वीडियो को गलत बताया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस में हुई हिंसा के मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है। 10 मार्च को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कन्हैया फिलहाल 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में है। इस बीच जेएनयू शिक्षक संघ ने रजिस्ट्रार भूपेंद्र जुत्शी को बर्खास्त करने की मांग की है। 300 से ज्यादा शिक्षकों ने कल कुलपति जगदीश कुमार से मुलाकात करके ये मांग रखी। शिक्षक संघ का आरोप है कि जुत्शी ने पुलिस को जेएनयू कैंपस में घुसने का समर्थन किया। इस बीच जेएनयू प्रशासन ने देश विरोधी नारों के आरोपों की जांच के लिए बनी समिति का कार्यकाल 7 दिन के लिए बढ़ा दिया है। ब्रेक के उस पार तमाम अहम खबरें हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बजट 2016 राज्यसभा टीवी पर खास प्रसारण, वित्त मंत्री का भाषण, जानकारों का विश्लेषण। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से विशेष प्रसारण 29 फरवरी को सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक लाइव। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के 5 विधायक कल सत्ताधारी तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल हो गए। इनमें 4 विधानसभा और 1 विधान परिषद का सदस्य हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में टीडीपी की सदस्यता ली। विधायकों का दावा है कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए कदम उठाया है और जल्द ही दूसरे विधायक भी वाईएसआर कांग्रेस से नाता तोड़कर टीडीपी का दामन थामेंगे। जम्मू कश्मीर के पंपोर में 48 घंटे से जारी मुठभेड़ खत्म हो गई है। सुरक्षा बलों ने सरकारी इमारत में घुसे सभी 3 आतंकियों को मार गिराया। शनिवार को शुरू हुई कार्रवाई में सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद हुए, जबकि 1 नागरिक भी मारा गया। सुरक्षा बलों का मानना है कि इस हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा का हाथ हो सकता है। शनिवार को जम्मू कश्मीर हाईवे पर पंपोर के पास एक इमारत में आतंकी घुसे थे, तब इमारत में कई नागरिक भी थे। सुरक्षा बलों ने पहले सभी नागरिकों को सुरक्षित निकाला और फिर आतंकियों को खोजने का काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से भारत और विश्व के सामने मौजूदा चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए नए विचारों को अपनाने पर जोर दिया है। कल वाराणसी में बीएचयू के शताब्दी दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट का समाधान ढूंढने की दिशा में काम करें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मौजूद छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दौर में नए आविष्कारों की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र अगर सफल होना चाहते हैं तो गंभीर पहल करें, क्योंकि अब सिर्फ कट पेस्ट से काम नहीं चलेगा। समाज जीवन की ताकत का एक आधार होता है इनोवेशन, नए नए अनुसंधान। सिर्फ पीएचडी डिग्री पास प्राप्त करने के लिए कट पेस्ट वाली दुनिया से नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीक्षांत का मतलब शिक्षा का अंत नहीं होना चाहिए। उन्होंने छात्रों से पंडित मदन मोहन मालवीय के बताए रास्ते पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की अपील की। मैं नौजवान साथियों को आज ये चुनौतियां देने आया और मैं एक बीएचयू की धरती से हिंदुस्तान के और विश्व के युवकों को आह्वान करता हूं, आइए आने वाली शताब्दी में मानव जाति संकटों से जूझने वाली है उसके समाधान के रास्ते खोजने का इनोवेशन के लिए आज हम खप जाएं। प्रधानमंत्री ने श्री रविदास जयंती समारोह में भी हिस्सा लिया। इस दौरान कई दलित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीएचयू में भी कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों ने हंगामा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मधेशियों के मामले में भारत और नेपाल अब एक ही सुर में बोलने लगे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल साझा मंच से दोनों देशों की जनता को आश्वस्त किया कि नेपाल पिछले दिनों के विवादों से उबरने का प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने
सोमवार को ICWA में विशिष्ट लोगों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सभी मुद्दों पर आम राय बन गई है, बाकी मुद्दों पर संविधान संशोधनों के माध्यम से सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे। We believe that in the evolutionary process of the constitution, appropriate adjustments can always be made for the wish of the people. हालांकि मधेशियों और उनके मित्रों ने अभी भी अपना विरोध बंद नहीं किया है। उनका कहना है कि नेपाल में सभी नागरिकों को समान दर्जा नहीं दिया गया है। इस मामले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुलकर नेपाल सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नेपाल की सरकार मधेशियों की शिकायतें दूर करने के प्रयास कर रही है। अब ब्याहने के बाद में 15 वर्ष तक नागरिक नहीं बनेगी और न उनको नागरिकता मिलेगी, न उनके बाल बच्चों को ऊंचे पदों पर जाने की इजाजत होगा, द्वैम दर्जा के नागरिक होकर लोग रहेगा। बाकी भी जो उनकी मांगे थी उसके लिए आपने स्वयं मुझसे बात की और कहा कि आप एक राजनीतिक संयंत्र उसके लिए खड़ा करेंगे, और आज भारत आने से पहले आप उस मैकेनिज्म की भी घोषणा करके आए हैं। आदरणीय भाई कमल थापा जी उसके अध्यक्ष हैं कमेटी के, और वो जो मैकेनिज्म है उसमें आपने कहा कि राजनीतिक वार्तालाप के जरिए आप उसका समाधान निकालेंगे। वैसे इस यात्रा के दौरान नेपाल के रुख में नरमी दिख रही है। अब तक मधेशी आंदोलन पर भारत विरोधी रुख रखने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री अब सामान्य व्यापार और पनबिजली क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर भारत के साथ सहयोग की बातें कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने टिहरी जाकर पनबिजली संयंत्र का अवलोकन किया। इसके अलावा वो भुज जाकर भूकंप से पुनर्निर्माण का अनुभव लेंगे और मुंबई में व्यवसायिक जगत के लोगों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री ओली ने वैसे तो कहा है कि नेपाल के हर नागरिक को वहाँ के संविधान में समान तरह के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वे इस बात पर मौन हैं कि उन बच्चों का क्या होगा जिनके माता पिता में से एक नेपाल के बाहर थे और बाद में नेपाल के नागरिक बने। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। खबर अफगानिस्तान से है, जहाँ उत्तरी इलाके के परवान प्रांत में हुए एक आत्मघाती हमले में 9 नागरिकों समेत 13 लोग मारे गए हैं। यह हमला एक पुलिस कमांडर को निशाना बनाकर किया गया। प्रांतीय पुलिस प्रमुख जनरल जमान ममुजई के मुताबिक हमला एक क्लिनिक और बाजार के करीब किया गया। मारे गए लोगों में 4 स्थानीय पुलिसकर्मी शामिल हैं। यून मिशन एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में अफगानिस्तान में 3,545 लोग ऐसे ही आतंकी हमलों में मारे जा चुके हैं। पठानकोट आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर 14 जनवरी से एहतियाती हिरासत में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने इसकी जानकारी दी। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। सरताज अजीज ने कहा कि पाकिस्तान से विशेष जाँच दल हमले के जाँच के सिलसिले में मार्च में पठानकोट आ सकते हैं। अजीज ने कहा कि हमलावरों से जुड़े मोबाइल फोन नंबरों पर एक के बारे में पता चला है कि वो पाकिस्तान के बहावलपुर में एक आतंकवादी संगठन के मुख्यालय के पते पर है। उन्होंने पठानकोट आतंकवादी हमले के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने को, आरोपियों को इंसाफ के कटघरे में लाने की दिशा में तार्किक और सकारात्मक कदम बताया। वीनस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन के नाम से मशहूर हिंदी फिल्मों की अदाकारा मधुबाला की आज पुण्यतिथि है। मधुबाला को उनकी अदायगी और सौंदर्य के लिए आज भी सिने प्रेमी शिद्दत से याद करते हैं। गाना शकील बदायूनी का, संगीत नौशाद का और नृत्य निर्देशन लच्छू महाराज। लेकिन जब पर्दे पर मधुबाला ने इसे निभाया तो सेंसुअलिटी को पर्सोनिफाई कर दिया, जिसकी मिसाल अब तक तो नहीं मिली है। 1933 में जन्मी मुमताज जहां देहलवी के मधुबाला बनने तक का सफर गुर्बत की गहराइयों से होकर गुजरता है। 9 साल की उम्र में बेबी मुमताज फिल्म बसंत में दिखाई दी। 14 साल की उम्र में जब वो पहली बार हीरोइन के रूप में केदार शर्मा की फिल्म नील कमल में आई, तब भी वो मुमताज ही थी। हालांकि उनकी खूबसूरती को देखते हुए देवका रानी जी ने उन्हें मधुबाला का नाम दिया।
1949 में महल के रिलीज होने के साथ पूरा देश मधुबाला का मुरीद था। मधुबाला की खूबसूरती कभी रूहानी लगती थी, कभी बस एक चंचल लड़की का लड़कपन, तो कभी ऐसी कि दिल धड़क ना भूल जाए। बेटी जाने जा, शौक से भीगी तू, इश्क के इम्तिहान। उनकी इस रेंज के पीछे छिपी थी कमाल की अदाकारी, जो मिस्टर एंड मिसेस 55, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी और अनारकली में देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। संसद का बजट सत्र आज से, राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत, सरकार की नीतियों का होगा जिक्र। सर्वदलीय बैठक में सभी दल सदन के सुचारू संचालन पर सहमत, सुमित्रा महाजन ने कहा प्रश्नकाल में ना हो गतिरोध, विपक्ष जेएनयू समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। आरक्षण पर मोहन भागवत का बयान, गैर राजनीतिक समिति करे पात्रता पर फैसला, कांग्रेस का पलटवार, कहा दलित और आदिवासी विरोधी है बीजेपी। कन्हैया की जमानत पर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई, जेएनयू शिक्षक संघ की रजिस्ट्रार को बर्खास्त करने की मांग, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच समिति का कार्यकाल 7 दिन बढ़ाया। अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला, 9 नागरिकों समेत 13 लोगों की मौत, पुलिस कमांडर को निशाना बनाकर किया था हमला, तालिबान ने ली जिम्मेदारी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।